जीती रहो बेटा, हम अपने निमाय को हर हाल में न्याय दिला के रहेंगे। मास्टर नहीं, आपका मिलना जुलना हो गया तो चले। बहुत भोली हैं बानी जी आप, हाँ? आपको क्या लगता है दुनिया नाक की सीध में ही चलती है? अरे दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है और आप वही पुराना राग अलापे जा रही हैं। आशीर्वाद श्राप देना हमको, शोक से दीजिए। पर इतना पता होना चाहिए कि हमको इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा रंजन, बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। करोड़ों दुश्मन है हमरे, करोड़ों में रोज मनाते हैं हर तरह से, मंत्र से, तंत्र से, पूजा से, पाठ से, जप से, तप से, यही चल रहा है। रंजन का नाश हो, रंजन का नाश हो। लेकिन रंजन जस के तस, अगर सबका श्राप लग रहा होता ना हमें, तो हम यहाँ नहीं बल्कि वहां होते यार परलोक में, जमराज महाराज के छता सट कोड़े खा रहे होते। आया कुछ समझ में? चलो यूं चलते हैं, आपके श्राप, आपके आशीर्वाद, दुआ बद्दुआ से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, बस अब फूटने ही वाला है, देखते जाओ। वकील साहब, लालच है तुम पे, कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। वो लड़की तुम पे भरोसा करके तुम्हारे शरण आ गई थी, उसके हालात जानने के बाद भी तुमने उसे धोखा दिया, बिक गए। कैसे आदमी हो तुम, सच्चाई जानने के बाद भी उसकी मदद करने की जगह तुमने उसे उस रंजन के पंजों में डाल दिया। बोल चुकी हैं और कुछ? अब सुनिए, मुझे मुझे महान नहीं बनना है, बड़ा आदमी बनना है बस। और आपको क्या लगता है सयाली आपके साथ खड़ी होगी? ये आपका भ्रम है। नहीं, ये लड़की अपने बाप के खिलाफ जा ही नहीं सकती। वाणी जी, आप एक टीचर हैं और वो पैसे वाला बाहुबली, आपकी हैसियत नहीं है उससे लड़ पाने की। हार जाएंगे, हार जाएंगे, हार जाएंगे, निकल जाइए सब, कुछ नहीं रखा इसमें, भूल जाइए सब। अपने आप को सबसे ताकतवर समझने वाले लोग भी मिट गए हैं सच्चाई की ताकत के आगे। अन्याय करने वाले मिटते हैं और मिटेंगी। और रही बात मेरी, तो एक माँ की हैसियत को तुम किसी चीज से तोल नहीं पाओगे। और अन्याय के खिलाफ
अगर एक माँ उसकी ताकत लगा दे तो उसे कोई हरा नहीं सकता। जी नमस्ते। हम लोग तो हेलमेट खरीद रहे थे और उन लोगों ने पीछे से कमेंट पास करना शुरू कर दिया। हम जैसे ही हेलमेट लेकर मुड़े उन लोगों ने और बकवास चालू कर दी और फिर मैंने हाँ हाँ मुझे पता है फिर क्या होएगा। देवेन की धुलाई कही होगी। एड डिशुम एकदम फिल्मी हीरो की तरह। वाह काश नहीं मां होता तो बहुत मजा आता। क्या बात है हर्षद। हर्षद तू अपनी हीरो की ना बन कर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और तू वहां आके क्या करता? बहुत लोग थे वो। मामी वो तो अच्छा हुआ कि टाइम पर हमने हेलमेट खरीद लिया, हमें पता नहीं क्या होता। कुछ भी कहो सारे प्रॉब्लम की जड़ वो हेलमेट ही था। हेलमेट? हाँ ना वो हम हेलमेट खरीदते ना इतना बवाल हुआ होता। वो तो कहो कि हम साथ में थे वरना पता नहीं वो लोग क्या क्या करते। ओ प्लीज तुम बस भी करो, अपने ही मुंह से अपनी तारीफ किए जा रहे हो। देख चुकी हूँ मैं, डर के भाग गया था। लगता है तुमने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। जीनियस हूँ, देख के लगता नहीं है ठीका ना यंगे मामी जी। करेक्ट करेक्ट बिल्कुल करेक्ट। बाकी अरे कैसे डर के भाग सकता है गुंडों से? ऐसा मत बोलो बेचारे के लिए, पिछली बार तुम्हारी और दीदी की वजह से गुंडों से पिट कराया था बेचारा, भूल गई क्या? मामी वो सब सिर्फ दिखावा था। कभी कभी लोग ऐसा कर जाते हैं इम्प्रेशन जमाने के लिए। अच्छा अच्छा बस करो अब तुम दोनों, दीदी ने सुन लिया ना तो फिर उनकी डांट खाने के लिए भी तैयार है ना तुम लोग। हाँ तो ठीक है ना मामी, जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। क्या हुआ मम्मी, नहीं आई ना सयाली? मुझे तो पता ही था कि वो नहीं आएगी, धोखा देना तो त्यागियों के रगों में भरा हुआ। नहीं बेटा तुम सयाली के लिए इस तरह क्यों सोच रही हो? वो आई थी लेकिन देखा लग गया ना, लेकिन वो है ही ऐसी कि उनसे जुड़ी हर बात के आगे लेकिन लगा ही होता है। वाह आप हमेशा रात को मुझे कहानी सुनाती है ना, वो सुनाइए ना प्लीज। आपको पता है कौन सी? हनुमान जी वाली, जिनने अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरी सोना की लंका को जला दिया था। प्लीज बुआ वो मेरी फेवरेट है। क्यों ना बेटा, हनुमान जी की कहानी मेरी भी फेवरेट है। क्योंकि हनुमान जी के होते हुए राम जी और सीता मैया को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। रावण चाहे जितनी ही कोशिश क्यों ना कर, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यस, आपको अपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के मार्कशीट और सर्टिफिकेट वो भी साथ में लाने हैं और रिज्यूमे भी। देखिए मैडम एक बार आप मुझे मिलकर तो देखिए, फिर आपको पता लग जाएगा कि मेरे अंदर कितना टैलेंट है, फिर ये सीवी वीवी किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बोलती है? देखिए रूल्स रूल्स हैं, हम किसी के लिए भी अपने रूल्स चेंज नहीं कर सकते। प्लीज कम विद योर रिज्यूमे। अरे लेकिन मेरी आप सॉरी सर कांट हेल्प यू, सीवी इज मस्ट।
सीवी मेल कीजिएगा। सीवी मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो। आज के लिए थैंक यू। अरे तुम मान गई कि मैं सही हूँ, कि मैंने तुम्हारी मदद की? ओ हेलो, तुम ये हमेशा गलत सुर क्यों लगाते हो? इसमें गलत सुर क्या है? तुमने अभी मुझे थैंक्स बोला ना। अब तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हें थैंक यू क्यों बोला? तो बता दीजिए ना कि आपने मुझे थैंक्स क्यों बोला है। क्योंकि तुमने मम्मी को संभाला। अच्छा, वाह वाह, क्या बात। एक बात बता दूं, उन गुंडों के मामले में चाहे तुम जितनी क्रेडिट क्यों ना ले, लेकिन हर वक्त मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सकता। इससे बेहतर यही होगा कि तुम अपना बचाव करना खुद ही सीख लो। हाँ मुझे आता है, हजरतगंज से लेकर चारबाग के बीच स्कूल टाइम पे कई बार किया है। अरे अगर वो लोग ज्यादा चूटपड़ करते ना, तो चाटा मार मार के चेहरा लाल कर देती मैं उन लोगों का। इतनी ताकत है मुझ में। अरे हेलो मैडम, तुम्हारे दो चार चाटों से कुछ नहीं होने वाला। जब तक घूसा नहीं मारोगी ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। घूसा मारने नहीं आता मुझे। पागल हो गया हो क्या? पागल नहीं हो गया हूँ, तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। आजकल तो लड़के लड़कियों के चाटे खाने में भी खुश हो जाते। जब तक तुम ये उंगलियां ऐसे लेकर, ये उंगलियां ऐसे मरोड़ी, हाथ पीछे लेके जाके ये धाई नहीं मार देती ना तुम, तब तक कुछ नहीं होता। सिंपल, समझी? सामने वाले बंदे को दिन में तारे और रात को सूरज दिखना चाहिए, तो मजा आएगा। सर कल कोर्ट में सांस लेने की फुर्सत मिल जाए तो बड़ी बात है, कल तो बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास। कैंसिल करो। सर बड़ी मुश्किल से तो अस्थाना वाले केस में तारीख मिली है सेशन कोर्ट में। कहा ना कैंसिल करो। लेकिन सर जान सकता हूं क्यों? बहुत आदत पड़ गई है सवाल करने की, जितना कहा उतना सुनो बस, कल बहुत काम है। क्या हुआ? कहा ना जाओ, कल कोर्ट की सारी तारीखें कैंसिल करता हूं। प्यार किसी को भी गर्त में पहुंचा कर ही दम लेता है। रजनीश पाठक बोल रहा हूँ, बोलिए। भाई वकील बाबू नमस्कार, हम रज्जन त्यागी बोल रहे हैं। अब ऐसे टकर टकर क्या देख रही, चलो शुरू हो जाओ, मारो, देखो तो सही क्या सीखा है। नहीं बाबा, तुम्हें कहीं चोट वोट लग गई तो? मर्द को दर्द नहीं होता, डायलॉग सुना नहीं है क्या? ठीक है मत लो, मैं तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए सोच रही थी। ज्यादा सोचो मत। अंदर से फील करो और सुनो, अपने अंदर से सोचो कि तुम रानी लक्ष्मी बाई हो, एकदम दबंग टाइप्स। क्या? सवाल मत पूछो, जो मैं कह रहा हूं वो करो, आंखें बंद करो, जितनी मन में गालियां है ना वो सारी सोच लो। नहीं आती। अरे वो लड़की वाली गाली होती नहीं, अबे नहीं वो नहीं, अबे तेरी। लेकिन गाली दू किसको? अच्छा ओके ओके। हाँ पिला रहा है। समर तेरी तो तेरी
सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन तुमने तो कहा था ना सॉरी। मुझे तो चोट नहीं लगी, लेकिन किसी को बताना नहीं है कि ये कैसे हुआ। सॉरी ना। कहे का सॉरी, अब तो इंटरव्यू सीवी पता नहीं क्या होने वाला है। देव बेटा तू तो गया समाज सेवा के चक्कर में। अरे दो वारी मैं हूं ना, मैं मदद कर दूंगी, बताओ क्या करना है। क्या डोंट वरी, अब तो सिर्फ वरी वरी है। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे मदद लूंगा? सवाल ही नहीं उठता। दिन में 10 बार सुनाओगी मैंने मदद की। आइए, स्वागत है आपका। भैया जी आपका इंतजार ही करें, चलिए। आइए आइए महानुभाव, स्वागत है। देख के गदगद हैं हम। थैंक यू। आई तशरीफ रखिए। थैंक यू। हाँ, हाल चाल कैसा आपका? हाल और चाल सब सामने आपके। दुरुस्त जवाब। इनसे मिल लियो, ये हमारे सुपुत्र हैं समा त्यागी। अरे दोनों को निमंत्रण पत्र भेजना पड़ेगा का हाथ मिलाने के लिए? हाथ मिलाओ। बताइए का खातिर करें आप? का खाएंगे, का पिएंगे? वैसे रवायत तो है कि शुरुआत पीने से। का पिएंगे? अरे बोलिए बोलिए मुंह से, शर्मा रहे आप तो। चलिए हम आपको एक स्पेशल ब्रांड दिलवाते हैं। चलो आप मेरी फिक्र मत कीजिए। आप बात कर रहे हैं कैसे ना करें भाई, आपकी फिक्र नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। आपकी वजह से हमें हमारी बेटी वापस मिली है। आपकी फिक्र नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। आपकी वजह से हमें हमारी बेटी वापस मिली है सही सलामत। आपकी फिक्र तो करनी पड़ेगी रजनीश बाबू। हाँ अटक गई थी आपकी बेटी, रास्ता दिखाने वाला कोई चाहिए था, बस मैंने वही किया। यही तुम्हारा रास्ता बताने वाला एहसान तो लग गया हमारे सर पे। उलाइन हमको बहुत पसंद है कि मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। अब अगर तुम्हारा एहसान हमारे माथे पर आ ही गया तो एक बात सुन लो, इसका बदला हम बहुत शानदार तरीके से चुकाने वाले। एहसान बाद में चुकाना रजन साहब, बेहतर होगा इस वक्त आप खुद पर एक एहसान करें। क्या मतलब? मतलब आप लोगों पर खतरा है। खतरा कौन? बानी? नहीं, खतरा घर के बाहर नहीं, घर के भीतर है आपकी बेटी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।